कांग्रेस और बीजेपी में धमाकेदार टकराव हो रही है। बता दें कि मोदी और योगी की जोड़ी अब दक्षिण में कमाल करने के लिए रेडी है। माहौल बनने लगा। कर्नाटक में अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनने का ब्लूप्रिंट बनाया गया और बीजेपी की तरफ से कहना है कि अब इस सब काम को आगे बढ़ाना है और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रहा है उसको कम करें और हमारे यात्रियों भी है वो आगे बढ़े। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि जितना भी हो सके बीजेपी अपना मुकाम हासिल करे, लेकिन हमें रोकने की कोशिश ना करे। हमें रोकने की कोशिश करी तो वो खुद ही ढह जाएगी। बता दें कि राहुल गांधी ने इस पे और भी तर्क दिया कि जिस तरीके से हमें रोका जा रहा है और टोका जा रहा है और कहीं को कहीं कुछ भी कहा जा रहा है तो ऐसा करना उचित नहीं। हमें ऐसा उनका करने का कोई भी हक नहीं। वो ऐसा करते हैं तो वो अपना ही गिरावट कर रहे हैं। बता दें कि राज्य के अगले बजट में मंदिर निर्माण के फैसले को ऐलान कर दिया गया है, ये बीजेपी की तरफ से कहना है, और वो मंदिर को लेकर भी कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कराने की योजना बना रही है। सिर्फ इस बात से विपक्षी दल हिल गए हैं। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दक्षिण के राज्य कर्नाटका और तेलंगाना में भी इसमें शामिल है और कांग्रेस कह रही है कि तेलंगाना और कर्नाटका सिर्फ हमारा हक है, हम उधर अपना हाथ फैलाए हैं, उधर सिर्फ हमारा हक है, बीजेपी इसमें नहीं घुस सकती। लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो सिर्फ हमारा हक है। बीजेपी कर्नाटक और अपना खूंटा गाड़ कर तेलंगाना फतेह करना चाहती है, उसमें यह उसके लिए साउथ में फैलने का रास्ता तैयार कर देगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी चेयरमैन की कुर्सी भी दिख रही है और इधर प्रधानमंत्री मोदी भी योगी की बात से खूब मजे कर रहे हैं। लेकिन उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना भी हो सके मजे कर लो, लेकिन कर्नाटका और तेलंगाना में घुसने तक नहीं देंगे। तो इससे आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर सकते।